किस्सा सुभाष चंद्र बोस, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रणबीर सिंह दहिया। सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी दास बोस पिछली सदी 18वीं के 80 के दशक में उड़ीसा आए थे तथा वकालत के पेशे में खुद को स्थापित करके कटक में बस गए थे। वहीं 23 जनवरी सन 1897 दिन शनिवार को सुभाष बोस का जन्म हुआ। उनके पिता माहीनगर के बोस लोगों के वंशज थे, जबकि सुभाष बोस की मां प्रभावती, बल्कि कहना चाहिए प्रभावती हटखोला के परिवार से आई थी। सुभाष चंद्र बोस अपने माता पिता के छठवें पुत्र तथा कुल मिलाकर नौवीं संतान थे। सुभाष बोस का परिवार बहुत अमीर तो नहीं था, पर एक खाता पीता मध्यम वर्गीय परिवार अवश्य था, और इसीलिए सुभाष बोस को कभी भी किसी भी किस्म के अभाव का सामना नहीं करना पड़ा। गरीबी क्या होती है ये बचपन में सुभाष चंद्र बोस ने नहीं जाना। सुभाष बोस से पहले का दौर, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत का शासन अंग्रेजों के हाथों में चले जाने के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज किस तरह की उथल पुथल तथा परिवर्तनों से गुजरा होगा, इसका अनुमान लगा पाना इतना आसान नहीं था किसी के लिए भी। मगर उसके बाद के दौर को समझने के लिए उस दौर को जानना भी जरूरी था। हिंदुस्तानी राजे रजवाड़ों की विदाई के साथ ही उनकी छत्र छाया में पलने बढ़ने वाले जागीरदार तथा सामंत भी जड़ों से उखड़ गए। इनका स्थान नई नौकरशाही ने ले लिया, व्यापार करने आए और शासक बन बैठे। परंतु ये दोनों काम बिना भारतवासियों के एक हिस्से की मदद के संभव नहीं थे। ये थी नौकरशाही। किसानों पर तथा आम जनता पर अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जाते हैं। जलियांवाला कांड हुआ, फिर रॉलेट एक्ट की बात चली और गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन चला। अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ गए, लोगों को जेलों में डाल दिया जाने लगा। उधर आज़ाद हिंद फौज का हौसला बनाए रखने के लिए बहुत सारी बातें सुभाष चंद्र बोस फौजियों से करते हैं। अंग्रेजों के अत्याचारों के बारे में फौजियों को जागरूक करते हैं। क्या बताते हैं भला? मचाई और चार फूट रोड़ा पड़ गया, एक दूजे के गढ़ कटाव राजपाट जमा सड़ गया, एक दूजे के गढ़ कटाव राजपाट जमा सड़ गया। तबेले देश में रही मानस की खोड़ नहीं, जात पात में भिड़वारे आज जुल्मों का गति ओढ़ नहीं, घरे बनाए तबेले देश में रही मानस की खोड़ नहीं, जात पात में भिड़वारे आज जुल्मों का गति ओढ़ नहीं, शोषण कर सदेश के ईमान का जुलूस लिखड़ गया, एक दूजे के गढ़ कटाव राजपाट जमा सड़ गया, एक दूजे के गढ़ कटाव राजपाट जमा सड़ गया। मेहनत करी सलोगा ने विज्ञान ने यो राह दिखाया, क्या दुनिया बदल गई घना खून पसीना बहाया, मेहनत करी सलोगा ने विज्ञान ने यो राह दिखाया, क्या दुनिया बदल गई घना खून पसीना बहाया, गोरा ने डांडी मारी भारत कतिए ते पिछड़ गया, एक दूजे के गढ़ कटाव राजपाट जमा सड़ गया, एक दूजे के गढ़ कटाव राजपाट जमा सड़
बात भूल के नहीं ठीक करा बटवारा, पांच सितारा होटल दूजे कानियो फूटा ठारा, न्याय की बात भूल के नहीं ठीक करा बटवारा, पांच सितारा होटल दूजे कानियो फूटा ठारा, देश की कमाई का मुनाफा अंग्रेजा के भीतर बढ़ गया, एक दूजे के गढ़ कटाव राजपाट जमा सड़ गया, एक दूजे के गढ़ कटाव राजपाट जमा सड़ गया। सपने हमने आज खूब दिखाए जावे, रणबीर लालच देखे ने पिट्ठू आज बनाए जावे, रेडियो पे सपने हमने आज खूब दिखाए जावे, रणबीर लालच देखे ने पिट्ठू आज बनाए जावे, डर आजादी की लड़ाई और अकड़ गया, एक दूजे के गढ़ कटाव राजपाट जमा सड़ गया, एक दूजे के गढ़ कटाव